नगर निगम तो चोर है, उपेंद्र सिंह बेटा हारेगा। बात कर रहे हैं आपके विधायक कौन? वो अपना विकास खोज रहा है, जनता के नहीं। कौन थार विधानसभा चुनाव की तो उसकी डेट जारी हो गई, और हर एक जितने भी नेता लोग हैं वो जनसंपर्क अभियान भी तेज कर दिए हैं। और अभी हम जो है लगातार जो हमारी वर्तमान सरकार है वो भी जो है विकास की बात कर रही है, और हमारे जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो भी लगातार विकास की बात कर रही है। तो हम अभी पहुँचे हैं बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र, जहाँ की जो विधायक हैं अमिताभ भूषण हैं, और ये लगातार जो है विकास की बात कर रही है कि गली दिखाना चाहेंगे। ये बेगूसराय विधानसभा का क्षेत्र है और विकास जो है, हम वही विकास आज आपको खोजते हुए हम इस पानी में आए हैं। आप इसका नज़ारा देख सकते होंगे, ये हमारे बेगूसराय विधानसभा का विकास है, जो कि आपको हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बेगूसराय विधानसभा की, जो जहाँ के हम विधायक जो अमिताभ भूषण है वो लगातार विकास की बात करते नज़र आते हैं। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो इस गली से गुजरते हैं इस पानी से, वो लोगों से हम बात करना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से। हाँ, आज मैं लॉकडाउन से पहले से ही हाल है। हाँ, 8 महीने से ही हाल है पूरे गली का। हाँ, पानी सरा हुआ, पानी शाम को भी क्या थक गए हैं, वहाँ भी जाके कह दिए हैं वार्ड कमीशनर, कुछ कोई सुनवाई नहीं होता। आज अभी आप लोग का इस पानी आने से किस तरह जीवन जीने में बहुत कठिनाई जीवन जी रहे हैं, बहुत कठिनाई से। आपके विधायक? हाँ, विधायक तो वही है जिसका नाम लिया आप। नाम अभी अमिताभ भूषण, उनको तो हम बोले थे, बोला कि घूमे हैं हम लोग, मोहल्ला में घूमे, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने सामने तो नहीं आए हैं, ना हमने सामने नहीं। वोट मांगने आए हैं? हाँ हाँ, वोट मांगने तो सभी आता, वोट तो सब आदमी आते हैं मांगने के लिए। मन में आपके बदलाव होना चाहिए, एकदम बदलाव होना चाहिए। हमको जिसको मन होगा, जैसा जो आदमी काम करेगा उसको वोट देंगे। अच्छा, नगर निगम पर क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम तो देखिए ना क्या कर रहा है नगर निगम, तो विकास की बात करते हैं। हाँ, विकास है, देखिए ना क्या विकास किया है, देखिए ना क्या विकास किया। हाँ, देखिए ना क्या, तो आपको नजर में आ रहा है क्या विकास किया। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बताया कि जो है विकास जो है वो हम दिखा रहे थे तस्वीर, विकास की तस्वीर जो थी कि ये पानी है और यही विकास है। और यहाँ के और भी लोग हैं, यहाँ देखिए युवा लोग हैं खड़े हैं, जो कि अभी लगातार युवा की बात चलती है कि युवा ही परिवर्तन ला सकते हैं, तो युवा लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आराम से क्या कहना चाहेंगे भैया। अभी आप इस पानी में जिस तरह से जाते जाते रहते हैं, किस तरह परेशानी का सामना कर रहे हैं? हम आपको क्या बोलेंगे, आप खुद ही देख सकते हैं। ठीक है, इतने परेशान हैं वो, तो हम लोग के छोड़ दिए, हम लोग तो बहुत ही यंग है। ठीक है, तो कहीं से भी निकल लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एजर लोग हैं, उनको कितनी परेशानी होती वो तो छोड़ दीजिए। और यहाँ कितने झगड़े होते हैं, ठीक है, पानी के एक तो निकास नहीं है, और जहाँ से पानी निकल भी रही है उसके लिए भी बहुत ही यहाँ पर झगड़े, बहुत विवाद होता है। आप अभी रात में आ रहे तो वो अलग बात है, अगर दिन में आते तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आता है कि यहाँ का क्या हाल है। एक से उतना कोई मतलब नहीं, जो एक वार्ड कमिश्नर होता है, ठीक है, वार्ड कमिश्नर को ए मोहल्ले के, हम लोग तो ये बहुत ही बच्चे लोग हैं, मतलब चचा लोग के सामने बहुत ही छोटे हैं, यहाँ तक कि इतने सारे लोग गए हैं, ठीक है, इतने नहीं तो 20 भी लोग गए होंगे, एक बार नहीं गए, लगभग काफ़ी बार गए, कितने बार बोल चुके हैं। इसके पास गए? वार्ड कमिश्नर के जो बेटे हैं, ठीक है, मतलब नीलम प्रकाश शाह हैं, ठीक है, उनके बेटे ही काम करते, वो काम नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन उनका बेटा ही काम करता, उनका बेटा का नाम है श्याम, ठीक है, श्याम भैया को कितने बार बोले गए, लेकिन सिर्फ एक बार आके तो बोले कि हाँ, वो क्या दिए थे तो प्रस्ताव ये दिया गया उनकी तरफ से कि यहाँ का मतलब यहाँ का पासिंग हो गया है। ठीक है, पासिंग क्या हो गया कि फिर से एक दोबारा एक नाला बनेगा। ठीक है, लगातार हम भी 2-3 बार गिरते गिरते बच चुके हैं, तो बात करें अगर यहाँ के जो लोग आते जाते हैं तो कितनी बार गिरते होंगे इस सड़क पर, और इस सड़क की हालात को आप देख सकते होंगे, ना ही यहाँ पर जो है एक भी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, और ना ही जो यहाँ पानी का निकासी का कोई सुविधा है, और अभी जो है इतनी बदबू पानी में दे रही है। यहाँ के और भी लोगों से हम बात करेंगे। एक मिनट, वोट किनको दिए थे? वोट किनको दिए इसके बाद? अभी वोट कहाँ मिला हुआ है? पहले पिछली बार किसको वोट दिए थे? हाँ, किसको दिए थे? जो है वार्ड कमीशन है उसको दिए थे। वार्ड कमीशन है उसको वोट दिए थे। तब क्या? और
क्या उनका काम ठीक चला है आपके क्षेत्र में? हाँ, इधर से पानी जमा है, गिरा दो साल से जो है ना पानी जमा हुआ है। अच्छा, तो इधर से आपका घर आने जाने का रास्ता होगा, किस तरह से निकलते होंगे? हाँ, बस पानी में सब जाइए रहे है कहाँ हुआ, पूरा यहाँ से वहाँ तक पानी है। पानी का निकास नहीं होगा, हम वोट का बहिष्कार। अगर हो गया तब तो क्या लग रहा, नगर निगम को क्या कहेंगे आप? नगर निगम तो चोर है। अच्छा, यहाँ जो है नगर निगम जो हाँ। मेयर साहब उनके भी बेटे खड़े हुए हैं चुनाव में, और अमिताभ भूषण भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किनको विश्वास लगता है क्या? देखिए, ये बात देखिए, गलत बात हमसे नहीं पूछिए, उपेंद्र सिंह बेटा हारेगा। हाँ, हाँ। क्या अमिताभ भूषण जीतेंगे? हम दूसर को नहीं जीताएंगे क्या? हमारा राजा भैया नहीं जीतेगा, अमिताभ भूषण भी हारेंगे? नहीं, ये कैसे बोल हारे, वो जीतेगी सेकेंड पोजिशन। क्या है अच्छा आपके क्षेत्र में जो पानी है अभी तक निकासी? सर, 4 महीना से पानी में डूब रहे हैं। केना अमिताभ भूषण जीत जाएंगे? आपका आपके विधायक ने कोई नहीं आता तो हम उसको जवाब नहीं दें क्या? विधायक विधायक को आना चाहिए था ना, आप तो वोट दिए विधायक को। हाँ, तो उसको हराएंगे। हराएंगे जब तक पानी के निकास है, सबको हराएंगे। कोई परवाहे नहीं है, वोट गड़िया है, वो कब उनकी प्रणाम लगाइए। पानी में क्यों मतदाता जागरूक नहीं है, क्या करेगा मतदाता? क्या लगता है इस बार जो है ना देख करके वोट देने के लिए जाएगा, क्या लगता है? वही स्थिति है, डेंगू हो गया शरीर में, जाएगा वोट देने के लिए, क्या फायदा? जहाँ तक सांसद महोदय का, उनको तो आज तक एक बार देखे भी नहीं। हाँ, उनको नहीं देखे हैं। MLA साहब का तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो ताश के 13 पत्ता है, उनको तो बातें छोड़ दीजिए आप। कुंदन सिंह लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव में बेगूसराय से, तो उसपे क्या की भैया? हम तो अपना व्यक्तिगत बात ही बोलेंगे ना, हमको दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि हमको रोज पानी में जाना पड़ता है। क्या लग रहा है इस बार बदलाव आप कर रहे हैं? होना चाहिए, 15 वर्ष का सत्ता है नीतीश कुमार का, और एक कंपलसेशन वोट जो होता है सत्ता के खिलाफ जाता है, तो हो सकता है नीतीश कुमार का तख्ता इस बार। नवरात्रा चल रहा है तो परेशानी होता होगा? अब नवरात्रा, उसके बाद महान पर्व छठ है, उसमें क्या हुआ, डाला लेके लोग कैसे जाएगा, क्यों मतदान करेगा? जब आपके धार्मिक विचार पर ये कूड़ाघात है तो मतदान क्यों करेगा, हमको ये बताइए, डाला लेके हम कैसे जाएंगे? हमारा व्यक्तिगत अपना मत है, दूसरा कोई घर डूबल हुआ है, हम दूसरा ठमा रहते हैं, हम गरीब आदमी है तो पैसा कहाँ से लाएंगे? मैंने विधायक को वोट दिए हैं, वार्ड पार्षद को वोट दिए हैं, वोट तो सबको हम देवे करते हैं, मगर कोई तो गुड़ियों के देखने आता है कि मर गया कि जिंदा है, वोट घड़ी में आता है सब खोजने के लिए। वोट मांगे क्या कहेंगे? वही कहेंगे कि डूबने घड़ी में खोजने के लिए नहीं आते हैं, वोट गिराने के लिए आते हैं खोजने के लिए। अभी वोट मांगने कहेंगे तो हम लोग तैयार नहीं होंगे, कहे हम देखिएगा मोहल्ला का समाज के लोग कहेगा, हमें दूसरा ठमा रहते हैं। लोग का बहाना जनता मीडिया है, जो सरकार कहता है सो सुनते हैं आप, उसके आधार पर आप चल रहे हैं, नहीं तो हम लोग मर रहे हैं नरक में। कब इससे पहले क्या था? कोरोना कभी आंख देखा है? और सब पब जनता को मार दिया है, अभी वोट लेने के बाद आया तो आप लोग पहुंच गए डिबिया लेकर। विकास की बात कर रहे हैं आपके विधायक? कौन? वो अपना विकास खोज रहा है, जनता के नहीं, कोई मादर तो किसी का अस्थि नहीं है, वो अपना विकास अपना पेट भरने के लिए, जनता के लिए नहीं। मेयर के बारे में क्या कहेंगे? कोई मेयर नहीं, सब अपने बारे में है, सब अपने बारे में जाइए। वोट देवे नहीं, रोड बनाते हम वोट नहीं देवे। विधायक जी हैं? कौन विधायक है? यहाँ के विधायक अमिताभ भूषण। विकास का इधर नहीं है, विकास यहाँ कुछ करता है। क्या लग रहा है? अगर जो खड़ा होगा, जो हमको बढ़िया करेगा उसको देगी। अभी वोट मांगने आएंगे, ये बढ़िया।